सो हे गाइस, टुडे इज 30th of August और आज जन्माष्टमी है. सो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू. और यार मैं एक चीज़ ना बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ना, लाइक मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ और हमारे यहाँ झाड़ होते हैं, ठीक है, बट मैं हूँ अभी उत्तराखंड में और उत्तराखंड में झाड़ नहीं होता भाई. ये देखो, ये कुछ और ही है. समझने वाले लोग समझ जाएंगे क्या है ये, बट क्या बोले भाई. पूरा भाई, ये पूरा वही है. तो गाइज, हम अभी रुड़की से निकल चुके हैं आगरा के लिए और हम जा रहे हैं फोर व्हीलर पे. एक्चुअली हम आए थे इस काम के लिए, फोर व्हीलर लेने के लिए. भैया की मासी का गाड़ी है तो इसको लेने के लिए आए थे. और हमारा प्लान यही है कि आज हम लोग आगरा पहुंच जाएं और ताजमहल देखें और रेड फोर्ट देखें. तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं टोल प्लाजा में हूँ अभी और ये हमारे रूट का भी पहला टोल प्लाजा है. या चलते हैं. तो हम लोग अभी हैं यमुना एक्सप्रेस वे मिड वे ट्रीट जो रहता है वहाँ पर रुके हुए हैं लाइक लंच करने के लिए. एक मसाला था, एक मसाला मसाला था. हम लोग आगरा पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं पेठा लेने के लिए, ऑथेंटिक पेठा. लाइक यहाँ पे बहुत सारे पेठा की दुकान है लेकिन ऑथेंटिक बहुत कम जगह मिलता है. तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं. अभी लाइक बैटरी वाले रिक्शा पे है ये वाले और हम घूम रहे हैं आगरा की गलियों में. तो बेसिकली हमारा जो होटल है वो ये जो हमारा जो होटल है वो है ताजमहल के पास में. लाइक वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है कुछ 300 मीटर के समथिंग समथिंग. तो यहाँ अभी जा रहे हैं पेठा लेने के लिए, घर के लिए भी लेना है 4 किलो. हम लेने के लिए आए पंछी पेठा, ये मैंने ले लिया घर के लिए और ये भैया का है. तो भाई इसका जो एड्रेस है वो ये है, नौलक्खा क्रॉसिंग आगरा. तो यहाँ पे क्या है कि ऑथेंटिक मिलेगा आपको जो भी लोगे. तो कभी भी आगरा आ रहे हो तो कहीं से भी मतलब, बट हाँ यहाँ से आप ले सकते हो, टेस्ट में डिफरेंस पता चल जाएगा आप लोगों को. यहाँ पे ये अंकल और ये आंटी मिलेंगे. बिल्कुल आइए यहाँ पे, ये आपका ऑथेंटिक पेठा है. यहाँ पे पूरा लिस्ट बना हुआ है. आप ले गए तो उस समय आपको ठीक दिया था ना, तुमने क्या किया हमें क्या मालूम है. सो ये जो है ये सदर बाजार के पास में है पंछी पेठा. प्लीज आइए. हाँ, और ये मेन रोड है, यहाँ का मार्केट एरिया. भाई अभी हम लोग आगरा में हैं और ताजमहल वाले रोड पे घूम रहे हैं. यहाँ पे लाइक फोटोशूट कर रहे हैं हमारे प्रकाश भैया, एक फुल फोटोशूट चल रहा है. यहाँ पे लाइट अच्छी है और रोड बल्कि लाइक ताजमहल के पास वाला रोड जो है ना काफ़ी अच्छा है. लाइक आई शो यू, ये देखो. तो अभी हमारा एक नाइट वॉक चल रहा है, इसके बाद हम लोग जाके डिनर करेंगे. अक्सर क्या करते हैं लोग, खाना खाने के बाद चलते हैं, लेकिन हम लोग पहले चलते हैं ताकि जो खाएं ना वो सेटल हो जाए. क्योंकि पहले ही पेठा खा चुके हैं. हाँ, क्योंकि हम लोग पहले ही पेठा खा चुके हैं. भाई वेज खाना पड़ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली जन्माष्टमी है. और ये है हमारा खाना, स्पेशल थाली, 2 रोटी 2 पराठे, आलू चीरा, पनीर, दाल, चावल, प्याज. प्याज ज़रूरी है. चलो शुरू किया जाए. हे गाइस, गुड मॉर्निंग. टुडे इज 31st और आज हम जा रहे हैं ताजमहल देखने के लिए, जिसके बाद जाएंगे आगरा फोर्ट. मेहताब बाग वाला तो कैंसिल हो गया क्योंकि सुबह नींद ही नहीं खुली. अलार्म लगाया था बट हम लोगों ने लाइक उठ के अलार्म फिर से बंद कर दिया. तो लाइक अभी हम लोग जा रहे हैं ताजमहल, देन फिर आगरा फोर्ट और क्या बाकी. फिर आप लोगों को क्या सिनेमेटिक्स ही देखने को मिलेंगे ताजमहल के. यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ इस जगह पे, वहाँ पे टिकट चेक होता है. तो यहाँ पे ताजमहल के अलग अलग फ़ोटोज देखने को मिल जाएंगे आपको हर साल के हिसाब से. भाई अंदर में गेट कुछ ऐसा है. ओ भाई साहब, तो अंदर आने के लिए बेसिकली 3 गेट है.
एक सामने है, एक इस तरफ में है और एक जिसे हम आ रहे हैं। तो ये वाला जो गेट है इससे एंट्री होती है। फिर इसके पीछे में है ताजमहल जिसका टोम, ये देखो दिखेगा अभी, ये दिखा, दैट इज ताजमहल। अभी हम लोगों को इसके अंदर से जाने का है। तो यहाँ से एंट्री पॉइंट है ताजमहल का, वो बीच से ताजमहल दिख रहा है। दोबारा से ये है आगरा फोर्ट, लेकिन इस बार प्लान है गाइड लेके जाने का, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तब लाइक ऐसे ही नॉर्मली आ गया था, गाइड लेके नहीं आया था, तो इस बार लाइक गाइड लेके आना है। सो दिस इज द गेट, एंट्री गेट ऑब्वियसली। उस टाइप के पेस्ट तैयार करते थे, उसे नेचुरल पेंटिंग बना हुआ है सर, वो देखो कॉरिडोर बना हुआ है। हाँ। ये हरम में जो लेडीज रहती थी ना, अनऑथराइज्ड जो भी कोई राजा महाराजा युद्ध वगैरह भी होता था, यहाँ पर डांसिंग प्रोग्राम होता था सर। अच्छा, इसी जगह पे यो सर कॉरिडोर बना, गैलरी बना, अच्छा गैलरी पे। हाँ, अभी इसको गवर्नमेंट है ना ASI वालों ने ऑफिस वगैरह बना दिए। अच्छा, हाँ ऊपर वाला सर, ये रेड सन स्टोन की बिल्डिंग बना हुआ है सर, भरतपुर है, धौलपुर है, तांतपुर है, वहाँ से मुगल टाइम में लेके आते थे, ताजमहल व्हाइट मार्बल से बना हुआ है सर। क्या रिक्वायर्ड, ऐसे हो जाएगा। सो बेसिकली दिस इज द प्रूफ, देखो क्लच बना हुआ है, ये पहले हिंदू का था, तो चारों साइडों में कटिंग हो रही है ना दीवार, बंदूक का मुंह बाहर निकाल कर, एरो का मुंह बाहर निकाल कर, क्योंकि उधर से कोई गोली मारेगा तो बंदों को नहीं लगेगी सर। अच्छा, भरतपुर का नाम सुना है आपने? हाँ, भरतपुर के एक महाराजा थे सूरजमल जाट का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, सूरजमल जाट ने इस फोर्ट पर अटैक किया था सर 1761 में। हाँ, क्योंकि औरंगजेब का डेथ हुआ था ना 1707 में। हाँ, उसके बाद मुगल साम्राज्य थोड़ा कमजोर हो गया था सर, 1761 में अकबर ने आक्रमण, सूरजमल जाट ने आक्रमण किया, तो डेकोरेट इसको व्हाइट मार्बल से करवाया है, मकराना मार्बल से, और रेड सन स्टोन लगा दिया है। फालतू होती है सर, देखिए आया हाथों पे, खाने का होगा तो आ जाएंगे सर, खाने को लाया ही नहीं है, खाने के अंदर आते नहीं है। आ जा। इस्लामिक आर्किटेक्चर होते हैं, मेहराब बने हुए हैं सर, इनके ऊपर लोटस लगा हुआ है दोनों साइडों में, हिंदू आर्किटेक्चर है तो तीनों धर्मों को कंबाइन करके चलते मालिक एक है, ये मेहराब के ऊपर बना हुआ है, इधर ऊपर ये आले बने, आले के देखिए ऊपर, हिंदू आर्किटेक्चर है, मुस्लिम एंड हिंदू तीनों धर्मों को कंबाइन करके विंडो बना हुआ सर। हाँ, वो बगल से रास्ता भी आपको दिखाऊंगा, वहाँ से जब कोई राजा अंदर जाता था तो फूलों का वर्षा किया जाता था। अच्छा, बने हुए ऊपर जाने का रास्ता बने हुए, वहाँ से विंडो बना हुआ था, फूलों का वर्षा किया जाता था बैलकॉन करने के लिए। अच्छा, अंदर घर में एंट्री करता था, छूटी एक नंबर की, ये तो कुछ भी नहीं है, अंदर आप लोग ए सी रूम में देखेंगे, बहुत खराब कर दिया है, ये अभी व्हील चेयर वगैरह के लिए बना दिए हैं गवर्नमेंट ने। अच्छा, ये बाद में बना? हाँ, व्हील चेयर के लिए, पहले स्टेप्स होते थे यहाँ पर, व्हील चेयर पर पूरा फोर्ट घूम लेते हैं, टूरिस्ट वगैरह पर चला नहीं जाता है। ओके, ये बेडरूम हुआ करता था ना, बेडरूम होता था।
बैकयार्ड किचन बना हुआ है, ऊपर देखे एलिफेंट सेव है ना पूरा। हाँ जाने वाला था, डबल डोज का फर्स्ट एंड सेकंड। आपने एक स्टोरी सुना होगा अकबर के फादर थे ना हुमायूं, स्टेप होते थे चार्ट उतारने के लिए, रोल करके बुक्स रखते थे फोल्डर करते, ये इसके रियल भी वाला देख रहे हैं आप। ये पत्थर लगे होते इसके निकाल के ले जाते, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको क्लोज कर दिया। कैलेंडर तो थे नहीं मुगल टाइम में, दीवालों पर पेंटिंग किया जाता था। इसके अंदर चलेंगे सर हम लोग, अभी एयर कंडीशनर रूम बना हुआ, हवा महल बोलते हैं। अच्छा, मुगल टाइम का मेन हवा महल जयपुर के अंदर बनवाया सर। पानी का टैंक ऊपर बना हुआ है सर, फाइफेट ज़्यादा है, लाइटिंग को कहीं नहीं, लेदर को बैग यूज होते थे मसल्स उनके थ्रू ना यमुना रिवर से पानी पहुंचाते थे, चुनने का दीवार। सो यहाँ पे पहले सोल्जर हुआ करते थे हम लोग, 75 फिट हाइट पे हैं और यहाँ से ताज महल दिखता है देख। ओहो तब भाई देखो सीधी सी बात है, ऐसी जगह पे आओ ना तो ये सब मत करो यार, कुछ हेरिटेज वाली चीजें है ना उसको खराब ना क्या करो। ये देखो हर जगह तो ये सब मत क्या करो यार, पहुंच कैसे जाते साले इतने हाइट में। मत करो यार प्लीज, ये सब फालतू चीज को ना वेंटिलेशन के लिए बनाया गया। यहाँ पे होल है ये एज यू कैन सी, बट यहाँ से ये क्लोज है तो ये हॉट एयर जो रहता है वो बाहर निकलता है अकॉर्डिंग टू आवर गाइड। यहाँ से सांस जहाँ का शुरू होता है। जहानारा का मैं आपको बैक साइड दिखाऊंगा ठीक है, अंदर से चलिए आपको काल लग रहा हूँ यहाँ से क्लियर देख लीजिए। हवा बहुत बेसिकली इस ऊपर में पता है डायमंड्स और गोल्ड लगे हुए थे। ये जो कॉर्नर दिख रहा है ना ये वाला, इसमें डायमंड्स थे और ऊपर में पूरे गोल्ड लगे हुए थे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये जो आप देख रहे हो ना ये वाला मार्बल, ये रिफ्लेक्शन है, ये एक्चुअली में येलो कलर नहीं है, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये मुमताज़ और शाहजहाँ का ये बेडरूम था, और ये जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे फैन लगा रहता था जिससे रस्सी बंधी हो रहती थी और दासियाँ इसको हिला हिला के हवा देती थी, और यहाँ से लाइक ताजमहल दिखता था। अगर आप देखोगे तो यहाँ से ताजमहल भी दिख रहा है, ये देखो ताजमहल। मैं लाइटिंग तो नहीं सर, ऊपर देखो स्टेप बना हुआ ना, वाटर टैंक है, चीनी मिट्टी के अंडरग्राउंड पाइप पूछे थे। अच्छा, ईरान से व्हील्स मंगाते थे उस टाइम, चरखा टाइप होता ना उस टाइम पे व्हील्स होती थी, उनको घुमाते थे, प्रेशर बनता था, इनमें से रोज वाटर निकलता था, हवा के थ्रू खुशबू अंदर जाता था, इसलिए बेडरूम का जस्ट सामने बन गया। बाद में देखा हुआ आप लोगों ने हरम की लेडीजों के लिए रहने के लिए बने हुए, सेफ्टी के लिए किन्नर करते थे, ये अंगूर का बाग हुआ करता था।
पंडित राम। सो दिस इज शीश मैन। अच्छा, 14वें बच्चे का जन्म हुआ दिल्ली में, मृत्यु हुई मुल्तान का डेथ हो गया था बुरहानपुर में, मध्य प्रदेश में। 6 महीने बॉडी को वहां दफन किया, ताजमहल बिल्ड हुआ, बॉडी को निकाल के ताजमहल शिफ्ट किया, 4 बच्चे रह गए। यहाँ पे कैद हुआ था, यहाँ कैद हुआ था, जेल है जी, शाहजहाँ यहाँ पे कैद हुए थे। एरिया उनका है, इस एरिया से इधर नहीं आते थे, सिर्फ इसी एरिया में रहते थे। 8 साल उन्होंने इसी एरिया में बिता दिए थे। 1658 से ना 1666 में 74 की एज में नेचुरल ईरान से बिलोंग करते थे। हम लोग पान खाते हैं ना, गले में से उसकी पीक देखती थी, इतनी सॉफ्ट चमड़ी होती थी। अच्छा, इसलिए इसको नूर महल बोलते हैं। इसके अंदर जो पत्थर लगे हुए हैं, जेम्स बोलते ना, मीना सारी रियल जेम्स लगे हुए हैं। टूरिस्ट है ना, इसको निकाल के ले आते, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको क्लोज कर दिया। आगे आइए सर, ये देखो ये लगे हुए हैं, देख रहे हैं। अच्छा, ये रेड 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 पन्ना नीला माड़े सब लगे हुए हैं। ताजमहल सेम नकाशी है, इल्ली वर्क बोलते हैं। सब मतलब हॉल होता है खास, ये प्राइवेट, ये मुगल टाइम का प्राइवेट मीटिंग हॉल होता था, कैबिनेट मीटिंग हॉल। अच्छा, जैसे मौसम खराब हुआ तो मीटिंग अंदर होता था सर, मौसम साफ हुआ मीटिंग बाहर होता था। शाहजहाँ ने इसके अंदर एक लगवाया था पीकॉक थ्रोन।